अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप के आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका अपना शेफ अली और आप देख रहे हैं माय स्पेशल शेफ अली यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं अपना एक एक्सपीरियंस द रेसिपी, बहुत ही परफेक्टली। आज हम बुफे में भी लगाएंगे और मैंने सोचा कि मैं अपनी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ। और एक मेरा भांजा है इमरान फ्रॉम इटली से, उसकी रिक्वेस्ट आई थी कि मामू जी मुझे काबली पुलाव सिखाएं। आज हम बनाएंगे काबली पुलाव विद अ पफ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, आए मेरे साथ। तो जी चलें, बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले जो है मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ कि हमने इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस कौन कौन से यूज़ करने हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है मेरे पास 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून है मेरे पास क्यूमन पाउडर, 1.5 टेबलस्पून है मेरे पास कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट हसबे जायका, 50 ग्राम है मेरे पास शुगर, 1 पीस सिनेमन स्टिक है, 3 पीस स्मॉल बे लीव्स, 6 पीस है मेरे पास क्लॉव्स जिसे के लौंग बोलते हैं, 1 टीस्पून है होल कोरिएंडर, ड्राई कोरिएंडर, 1 टीस्पून है मेरे पास क्यूमन, 1/2 टीस्पून है मेरे पास ब्लैक पेपर, 2 पीस है मेरे पास ब्लैक कार्डमम, 5 पीस है मेरे पास स्टार अनिस, 6 से 7 पीस है मेरे पास ग्रीन कार्डमम, ठीक है जी। 50 ग्राम है मेरे पास आलमंड्स, 50 ग्राम है मेरे पास कैशू नट्स, 50 ग्राम है मेरे पास रेजन्स, 2 लार्ज कैरेट, 1 लार्ज अनियन, ठीक है जी। 1.5 kg है मेरे पास मटन, जैसे कि आप देख रहे हैं रान का लिया है मैंने, 1.5 kg है रान का लिया है। बड़े बड़े पीसेस लेने हैं आपने, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम 200 ग्राम का एक पीस होना चाहिए। और ये है मेरे पास घी, हम बनाएंगे घी में। तो चलें अब इसी के साथ हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले जो है हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे। अब इसी के साथ जो है हम इसमें ऐड करेंगे घी। घी जो है हमने मैक्सिमम 40 ml यूज़ करना है। तो जी ऑयल जो है गर्म हो चुका है, अब इसी के साथ हम ऐड करेंगे अनियंस। अनियंस को जो है मैं थोड़ा सा कैरेमलाइज कर लूँ। जिंजर गार्लिक 1 मिनट के लिए इसे सौते करूँगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटन। तो जी 1 मिनट जो है हो चुका है, अब इसी के साथ मैं ऐड करूँगा इसमें मटन। अब मटन को जो है अच्छे से मैं इसके साथ भुनाई करूँगा अनियंस के साथ मैक्सिमम 5 मिनट। तो जी जैसे कि आप देख रहे हैं 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब इसी के साथ जो है मैं इसमें ऐड करूँगा स्पाइसी क्यूमन कोरिएंडर सॉल्ट हसबे जायका। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट्स के लिए जो है मैं इसे भुनाई करूँगा। 3 से 4 मिनट्स के बाद फिर हम नेक्स्ट ऐड करेंगे। तो जी 3 से 4 मिनट्स हो चुके हैं, अब इसी के साथ जो है हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी जो है मेरे पास 1 लीटर है और पानी आपने गर्म ऐड करना। इसे कवर करते हैं। तो जी मटन को मैंने अच्छे से कवर कर दिया, इसकी स्टीम जो है कहीं से नहीं निकलनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो अब मैंने इसे कवर कर दिया, 40 मिनट्स के बाद हम मिलते हैं। तो जी मटन को 40 मिनट्स हो चुके हैं। तो जी जैसे कि आप देख रहे हैं मटन हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इसी के साथ जो है मैं इसमें ऐड करूंगा घी मैक्सिमम 3 टेबलस्पून। तो जी सबसे पहले हम कैरेट सौते करेंगे इसमें मैक्सिमम आपने 2 मिनट्स के लिए कैरेट सौते करने हैं।
तो जी इसे 2 मिनट्स हो चुके हैं। कैरेट को जो है हम रिमूव करेंगे इसमें से ऑयल से। अब इसी के साथ जो है हम इसमें ऐड करेंगे रेज़न। तो जी इसी के साथ जो है हमारे पास ये आलमंड्स और कैशू नट्स हैं, ये फ्राई करेंगे इसी में। तो जी ये कैरेमलाइज हो चुके हैं। अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगा शुगर। शुगर को जो है आपने अच्छे से कैरेमलाइज करना है। अब इसी के साथ जो है मैं इसमें ऐड करूँगा पानी। ये जो स्टॉक है मटन का, ये मटन का स्टॉक इसमें ऐड करूँगा। तो जी अब इसी के साथ जो है हम इसमें ये मटन ऐड करेंगे। मटन के साथ जो है मेरे पास थोड़ा सा पानी है, हम अपने राइस के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। ये राइस है मेरे पास 1.5 kg, ठीक है जी। तो मैंने अपने राइस के हिसाब से उसमें मटन में पानी ऐड किया, तो अब हम इसमें ऐड करते हैं। राइस ऐड करके आपने बहुत ज़्यादा स्पून का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि राइस जो है वरना टूट जाएगा। तो ये इसका पानी जैसे ही ड्राई होता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी इसी के साथ जो मैंने आपको गरम मसाले साबुत दिखाए थे वो पाउडर बनाया है। 1 टेबलस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, ठीक है जी। इसी के साथ जो है मेरे पास 1 टीस्पून है जस्ट ओनली कार्डिमन पाउडर, ये ऐड करेंगे। तो जी पानी जो है इसका ड्राई हो चुका है। ये जो हमने सोते किए थे इसमें मैं हाफ़ ऐड करूँगा। हाफ़ जो है हम इसको जब पफ में रोल करेंगे जब ऐड करेंगे। तो जी मैं 15 मिनट्स के लिए जो है हम इसे दम लगाएंगे। 15 मिनट्स के बाद हम मिलते हैं। तो जी 15 मिनट्स जो है इसे राइस को हो चुके हैं। अब हम इसे जो है कवर इसका रिमूव करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं राइस हमारा बहुत ही प्यारा कलरफुल है और कितना प्यारा राइस है। तो जी ये है मेरे पास पफ। आप चाहें तो नॉर्मल जिसे हम रोटी बनाते हैं आटा वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से जो है हमने प्रेस करना है पिन रोल के साथ। तो जी इस तरह का आपने बॉल लेना है जिसमें आपने अरेंज करना है बहुत ही अच्छे से। उसमें आपने राइस अरेंज करनी है। इसको इस तरह से इसमें प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ये उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे राइस। उसके बाद इसको इस तरह से कवर करना है आपने। उसके बाद आपने इस तरह की एक ट्रे लेनी है जिसमें आपने इसको कवर करना है, ठीक है जी। अब इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं कि ये है मेरे पास कैशू नट्स ब्लैक सिस्मी वाइट सिस्मी, ये इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो जी ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे लगाएंगे ओवन में। ओवन हमारा गर्म है पहले से, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम इसे टाइम लगाएंगे। 180 टेम्परेचर देना है हमने इसे, 180 टेम्परेचर 10 मिनट्स।